कर्ज की दर में आ रही गिरावट की वजह से हुए नुकसान की भरपाई बैंक अपने छोटे और मंझोले ग्राहकों से करने जा रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI का बचत खाते की ब्याज दर को घटाना इसी तरफ इशारा करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार सीमेंट इंडस्ट्री में कर्ज की दर -2.7% से गिर के -7.7% हो गई है। मेटल इंडस्ट्री को दिए गए कर्ज की दर 9.6% से गिर के -1% हो गई। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की दर 0 से गिर के -4.3%, लेदर इंडस्ट्री की दर 4.4% से घटकर 0.6%, कोल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री की दर 6.4% से घटकर 0.3%, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दर 0.5% से घटकर -3.2% और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिए गए कर्ज की दर -2.1% से घटकर -2.5% तक आ गई है। कर्ज की दर गिरने के साथ ही बैंकों के मुनाफे का स्रोत भी घटता जा रहा है। आमतौर पर कर्ज से आए ब्याज की रकम में से डिपॉजिट पर चुकाए गए ब्याज को घटा दें तो वो बैंक का मुनाफा होता है। कर्ज पर आए ब्याज की रकम में गिरावट के बाद मुनाफे को बरकरार रखने के लिए डिपॉजिट पर दिए जाने वाले ब्याज दर को घटाया जा रहा है। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट पर 1 करोड़ रुपये तक की रकम पर ब्याज दर 4% से घटाकर 3.5% कर दी है। इससे नुकसान आम जनता का है। बैंक तो अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स जैसी जगहों पर डाल के अच्छे रिटर्न्स कमा सकता है, पर छोटे खाता धारकों के सेविंग्स पर मिलने वाले रिटर्न्स कम हो जाएंगे। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।